प्यारी विद्यार्थियों, अज आपां करदे आ क्लास 8वीं दी शीट नंबर 6। कहिंदा एक आयतकार स्विमिंग पूल दी लंबाई सानूं पता नहीं, उसकी चढ़ाई दे दुगने तो 2 मीटर ज़्यादा है। कहिंदा जिहड़ी लंबाई आ उह चढ़ाई ते डिपेंड कर रही आ, इस करके चढ़ाई नूं एक्स मन्नो। तुसीं अगली लाइन 'च देखोगे, जेकर स्विमिंग पूल दी चढ़ाई एक्स मीटर होवे तां इस तों भाव हो गया कि उसकी चढ़ाई किन्नी है, एक्स मीटर। आपां चढ़ाई लै ली आ जी, ये साड़ी कितनी देती है उन्हें, एक्स मीटर। ठीक है जी। कहिंदा हुण इसकी लंबाई जिहड़ी आ उह चढ़ाई तो दुगुनी आ। दुगुनी का मतलब हुंदा दो गुणा, इदां ही हुंदा, दो गुणा। किहनूं गुणा करना, चढ़ाई नूं, ते नाल उस तो भी दो ज़्यादा। जदों दो ज़्यादा कहिंदा होवे तां प्लस करीदा। हुण चढ़ाई किन्नी सीगी साड़ी, एक्स, तां इह बण गया 2 गुणा x + 2। 2 गुणा x किन्ना बण गया, 2x + 2। तां साडी लंबाई आ गई 2x + 2। दूसरा क्वेश्चन कहिंदा एक आयतकार स्विमिंग पूल दी चढ़ाई उसकी लंबाई तो हुण चढ़ाई का डिपेंड कर रही है लंबाई ते, तां लंबाई नूं आपां x मन्नना है। देखो लंबाई जेकर स्विमिंग पूल दी किन्नी होवे, एक्स हो, लंबाई साडी एक्स मीटर हो गई, ते चढ़ाई किहदे बराबर आ उह आपां लिख लैंदे हां। कहिंदा चढ़ाई लंबाई दा अद्धा दा मतलब हुंदा 1/2 किहदा, लंबाई दा। उस तो किन्नी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब प्लस कर दो 1। हुण लंबाई किन्नी है, एक्स, बटे विच किन्ना लगाया, 2 + 1। ये साड़ी की बन गई, चौड़ाई। कहिंदा पिंकी ने बाज़ार विच एक छोटा पर्स खरीदया, जेकर पिंकी 50 रुपए होर दिंदी तां उसनूं 200 रुपए दा वड्डा पर्स मिलदा। देखो छोटा पर्स उहदा मुल किन्ना मान लिया आपां, एक्स, तां वड्डा पर्स की है किन्ने दा आ। कहिंदा जेकर छोटे पर्स विच उह 50 रुपए होर पा दिंदी तां छोटा पर्स किन्ने दा आ, 200 दा। बराबर किहदे हो गया, एक्स जमा 50। ये जिहड़े 50 आ इधर आ के की हो जाने आ, 200 चों माइनस, तां साडी एक्स आ गई 200 - 50। साडा आंसर आ गया 150। तां छोटा पर्स किन्ने दा सीगा, 150 रुपए। दूसरा तरीका कहिंदा जेकर वड्डा पर्स 200 रुपए दा आ ते किन्ने रुपए कट दते उहने, 50 रुपए, तां जिन्ने कट दते उह माइनस च लिख दो। तां छोटा पर्स किन्ने दा होया, दोनों दा जोड़ करके, तां 200 दे विच्चों प्लस ते माइनस माइनस 50 गया, तां किन्ना आंसर आ गया, 150 रुपए। कहिंदा राम ने 400 रुपए दी एक शर्ट खरीदी, शर्ट किन्ने दी आ, 400 दी, प्लस किसी दूसरी दुकान तो 2 पेंटां खरीदियां। 2 पेंटां जेकर दोवें पेंट का मुल समान हो, समान आ मुल, ये मतलब जे एक का मुल 10 वा तो 2 का किन्ना हो गया, 2 दा, भी दुगना ही करना उसका। मान लो कि पेंट का मुल किन्ना आ, एक्स, तो 2 गुणा x हो गया पेंट का मुल। शर्ट का 400, 2 पेंट का मुल हो गया 2 गुणा x, क्योंकि 1 का x। कुल पैसे किन्ने दिते होने, 1400। ये 400 उधर जाके कहदे हो जाने आ, माइनस दे, तो 2x बराबर कहते हो गया 1400 माइनस 400, ये बराबर कहते हो गया 1000 दे। कौन बराबर हो गया, 2x। हुण सानू पता है कि जिहड़ा 2 आ उह गुणा हो रहा, गुणा उधर जाके भाग हो जाता, तो एक्स बराबर की हो गया, 1000 / 2 कट के किन्ना आ गया, 500 रुपए। तो 1 पेंट का मुल हो गया 500 रुपए। कहिंदा हर्ष कोल 2 रुपए के 15 सिक्के हैं, 2 रुपए के किन्ने सिक्के हैं, 15। तो 2 रुपए के कुल किन्ने रुपए बन गए, 15 सिक्के आ, 2 × 15 किन्ने बन गए, 30 रुपए। तो ये कुल 2 रुपए के नोटा दे, बाकी किन्ने आ, 5 रुपए के मान लो किन्ने सिक्के हो गए, एक्स, तो वो किन्ने रुपए हो गए, 5 × x। थोड़ा मैं क्या कि लिखता इनू, 5x। साढ़े को कुल रुपए किन्ने हो गए, 30 + 5x बराबर कहते हो गए, 50 रुपए। हूँ जोड़े आ 30 रुपए आ, यदा पहले ही 2 रुपए तो बने, उधर जाके कहते बन जाने, माइनस ने। साडा आंसर आ गया 5x बराबर 50 - 30 कि आ गया, 20। तो 5x बराबर कि आ गया, 20/5, 5 × 4 = 20। तो 5 रुपए के किन्ने सिक्के हो गए, 4 सिक्के।
ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਰੁਪਏ ਦੇ 8 ਸਿੱਕੇ ਆ ਤਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 5 × 8 ਜਮਾ। ਕਹਿੰਦਾ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁਝ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਿੱਕੇ ਹਨ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਐਕਸ। ਕੁੱਲ ਰੁਪਏ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ ਇਹਦੇ? 80। 8 × 5 = 40, 2 × x = 80। 40 ਚੋਂ 80, 80ਆਂ ਚੋਂ 40 ਗਿਆ, 80 − 40 ਕਿੰਨੇ ਬਚ ਗਿਆ? 40। 2x = ਕਿਤੇ ਹੋ ਗਿਆ 40। ਹੁਣ ਐਕਸ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਗੁਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਭਾਗ ਗਿਆ, ਕਿੰਨਾ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ? x = 20। ਤਾਂ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਨੋਟ ਹੋ ਗਏ? 20 ਸਿੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਿਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ? ਜਾਮਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਚੱਕਰ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਚੱਕਰ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ? 2 ਹਰਿਆਂ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ ਕਿੰਨੇ ਜਾਮਨੀ ਪਏ ਹਨ? 3 ਜਾਮਨੀ। ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਵਿੱਚ 3 ਜਾਮਨੀ ਪਏ ਹਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਾਮਨੀ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? 2 ਹਰੇ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਹਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 3 × 6। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 6 ਹਰੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ, ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਪਲੜੇ ਹਨ, ਨਤੀਜਾ 3 ਚੱਕਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤਿਕੋਣਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਦੇਖੋ ਇਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ 3 ਬਲਿਊ ਡੋਟ ਬਣ ਜਾਣੇ ਆ, 1 ਬਲਿਊ 2 ਬਲਿਊ ਅਤੇ 3 ਬਲਿਊ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 2 ਟ੍ਰੈਂਗਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀਆਂ ਅਤੇ 1 ਬਾਕਸ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਦੋਨਾਂ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਂਝੀ ਆ ਉਹ ਚੱਕ ਲਓ, ਚੱਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆ? ਇਹ ਬਾਕਸ ਆ, ਇਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ 3 ਡੋਟ ਕਿਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਗਏ? 2 ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 2 ਟ੍ਰੈਂਗਲਸ।